Hello kids, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 4.4, that is unit 4, and lesson name is A Mad Tea Party. A Mad Tea Party, ये क्या है? एक novel है, ठीक है? और उसके बीच का एक part दिया हुआ है, जैसे इनके अलग-अलग हम देखते हैं, like story होती है बहुत बड़ी, या फिर जो हम देखते हैं सीरियल आते हैं टीवी पे, तो वो एक एक एपिसोड में आते हैं कैसे अलग अलग, वो भी उस ये भी कैसा है, एक एपिसोड जैसा, ये बीच का पार्ट है, ठीक है? ये सिर्फ इतनी सी स्टोरी नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, नॉवेल है बहुत बड़ा, बट ये थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है आपके बुक में जो कि बीच में से है, तो थोड़ा सा आपको समझने में कन्फ्यूजन लगेगा, बट ध्यान से समझना, ये सिर्फ एक स्टोरी है. और मैड टी पार्टी मतलब क्या है, ये जो लड़की है ना, ये एक जगह पहुंच जाती है जो कि क्या होती है, एक जादू की दुनिया होती है, वहाँ पे जादू जैसा रहता है, और कह सकते हैं कि वहाँ का जो टाइम है, ठीक है, वो रुक चुका है, समय रुक चुका है, एक ही समय रहता है वहाँ पे, सिर्फ 6 बजे का समय रहता है, मतलब वो लोग चाय ही पीते रहते हैं. तो मैड टी पार्टी मतलब यहाँ पे 3 creature होते हैं जो कि तीनों पागल जैसे बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं यहाँ पे, इसके लिए बोला है मैड टी पार्टी. और यहाँ पे वो बहुत फ्रस्ट्रेट, बहुत इरिटेट हो जाती है. ठीक है, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है. एलिस जो कि ये गर्ल है, इन वंडरलैंड इज़ अ फैंटसी नॉवेल रिटन बाय लेविस कैरोल. तो लेविस कैरोल ने लिखा है, एक नॉवेल है, उपन्यास है, जो कि फैंटसी मतलब कि कह सकते हैं कि पूरी इमेजिनेशन वाली है, पूरा काल्पनिक है, इमेजिन करके बना. जैसे हम देखते हैं कार्टून, जैसे आप देखते होंगे डोरेमोन देखते होंगे और अलग अलग जो कार्टून आते हैं, तो कैसे अजीब सी दुनिया रहती है ना, वहाँ पे कुछ भी हो जाता है, वहाँ पे जैसे वो जो जो कैट है वो भी बोलता है, जो डॉग है वो भी बोलता है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से जादू की दुनिया है. नाम ही किस या इसका क्या है, वंडरलैंड. ओके, इज़ अ फैंटसी नॉवेल, तो एलिस इन वंडरलैंड ये उस नॉवेल का नाम है. तो ये किसने लिखा है, लेविस कैरोल ने. इट टेल्स अस ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ अ लिटिल गर्ल कॉल्ड एलिस हु फॉल्स इन टू रैबिट होल एंड फाइंड्स हर सेल्फ इन अ फैंटसी वर्ल्ड वेयर फनी पीपल मिंगल विद पेक्चुलर क्रीचर्स. तो क्या है ये, इसमें क्या है, ये कहानी क्या बताती है हमें, एक लड़की की एडवेंचर की कहानी. बहुत ही वो साहसी रहती है लड़की, बहुत ही कह सकते हैं बोल्ड होती है, ब्रेव होती है. और उस लड़की का नाम क्या रहता है, एलिस. वो गिर जाती है, कहाँ पे गिर जाती है, रैबिट के होल में. एक रैबिट होता है, वो एक क्लॉक लेके, घड़ी लेके भागता हुआ रहता है, ठीक है, वाइट रैबिट रहता है, वो भागता रहता है, उसी के पीछे पीछे लड़की जाती है और वो उसके होल में गिर जाती है. जब वो देखती है, गिरती है वहाँ पे, तो सब कुछ एक जादू की दुनिया रहती है, ठीक है. हियर शी हैपेंस टू अटेंड अ टी पार्टी विद 3 of them. तो यहाँ पे जहाँ पे वो जाती है, तो वहीं पे 3 लोग उसे मिलते हैं, 3 creatures रहते हैं. पेक्चुलियर मीन्स वॉट, स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब रहेंगे वो, अजीब अजीब सवाल करेंगे, अजीब एक्ट करेंगे, अजीब बिहेवियर रहेगा उनका. दैट मीन्स स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब से लोग रहेंगे, क्रीचर्स मतलब 3 लोग रहेंगे, 3 creatures में 3 प्राणी रहेंगे. ओके, हियर शी हैपेंस टू अटेम्प्ट अ टी पार्टी, वो लोग टी पार्टी करते रहते हैं, ठीक है. तो वो भी बैठ जाती है, उसे भी वो भी अटेंड कर लेती, वो भी वहाँ पे बैठ जाती है उनके पास. विथ 3 of them द मार्च हेयर, वो जो 3 creature हैं यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन कौन है, तो एक मार्च हेयर है जो कि रैबिट है, एक मैड हैटर है, वो बड़ी सी हैट पहने रहेगा, ठीक है, एक आदमी है, एक डोर माउस मतलब कि डोर माउस क्या है, एक माउस है. मिंगल मीन्स क्या होता है, मिंगल मीन्स लाइक मिक्स टुगेदर, मतलब कि एक साथ बैठे हैं, ठीक है, चिपक चिपक के हम कैसे बैठते हैं, आप बेंच पे बैठते होंगे बच्चों के साथ जब बात बात करते हो, तो कैसे इधर इधर, इतना पूरा बेंच खाली है, ये लोग इधर इधर भी तो बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग इतने में ही बैठे हैं चिपक चिपक के, ठीक है, तीनों. तो अब देखते हैं स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे देख लो, ये स्टोरी बहुत बड़ी है, ठीक है. तो ये सारे जो इसमें पार्ट्स दिख रहे हैं ना, ये जो दिख रहे हैं, ये सब स्टोरी के अलग अलग पार्ट हैं, इसमें नहीं है, इस स्टोरी में, इस वाले पार्ट में नहीं है, बाकी अलग अलग पार्ट में ये सब देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है तो सारी चीज़ें इसमें नहीं है. देयर वॉज अ टेबल, जब वो जैसे ही होल में आती है रैबिट की, वो क्या देखती है, यहाँ पे अजीब सी दुनिया है, यहाँ पे एक टेबल है सेट आउट अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे टेबल सजाया हुआ है. इन फ्रंट ऑफ द हाउस, एक घर है, उसी के सामने क्या है, एक पेड़ है, पेड़ के नीचे टेबल सजाया हुआ है. एंड द मार्च एयर एंड द हैटर वेयर हैविंग एयर हैविंग टी एट ईट, अ डॉर माउस वॉज सीटिंग बिटवीन देम फास्ट एज स्लीप एंड द अदर टू वेयर यूजिंग इट एज अ कुशन. देखिए क्या है, यहाँ पे इस ट्री के नीचे जो मार्च हेयर है, जो एक रैबिट है और जो हैटर है, वो दोनों क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, टी पार्ट मतलब टेबल पे टी रखी हुई है, वो लोग पी रहे हैं. और एक वहीं पे डॉर माउस भी है जो इन दोनों के बीच में बैठा है. सपोज़ कि ये हैटर है और ये कौन है, ये हैटर है और ये मार्च हेयर है, और बीच में कौन है, यहाँ पे माउस
डॉरमाउस, ये उन दोनों के बीच में बैठा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, एज अ कुशन इसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब अपने हाथ टिका टिका के उस पर बैठे हैं। यहाँ पे पिक्चर है, आपको दिखा देती हूँ पहले। ये देखो इतनी बड़ी सी टेबल है, तीनों इसी में चिपक चिपक के बैठे हैं। देखो किस तरीके से उसने इस पर जैसे कुशन कुशन की जैसा इस पर हाथ रख के बैठा है, तो ये भी ऐसे ही बैठा था, अभी ये बात कर रहा है इसके लिए अपना हाथ हटा लिया है, ये भी इसी पे बैठा है और ये दोनों चाय पी रहे हैं और ये सो रहा है। दिन भर ये सोता ही रहता है, पूरे स्टोरी में सोता ही रहता है। ठीक है, ओके। वो दोनों चाय पी रहे हैं और वो बीच में सोया हुआ है और दोनों एज अ कुशन कुशन की तरह, मतलब तकिए की तरह उसे यूज़ कर रहे हैं, उस पर हाथ रख के आराम से। रेस्टिंग देयर एल्बोज, उस पर अपनी एल्बोज, मतलब जैसे एल्बोज रखा था ना अपनी कोहनी, उस पर दोनों लगा के बैठे हुए थे। टेकिंग ओवर इट्स हेड, और इसके हेड के पास में ही, जैसे हमने देखा कि उसके हेड के पास में दोनों बैठे थे और उस पर अपना हाथ रखो, जो कोहनी है, जो एल्बो है, उसको उस पर लगा के बैठा हुआ था। ठीक है। वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द डॉरमाउस थॉट एलिस। एलिस ने सोचा कि जो डॉरमाउस है जिसके ऊपर उन लोगों ने हाथ रख के बैठा है, कितना अनकम्फर्टेबल होगा उसके लिए। ओनली एज इट इज़ इट्स एस्लीप आई सपोज इट डजेंट माइंड, लेकिन ये सो रहा है इसके लिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे सोचती है कि इस बेचारे के लिए कितना अनकम्फर्टेबल है, ये दोनों उस पर अपना एल्बो एकदम ऐसे लगा के बैठे हैं, उसको कितना अनकम्फर्टेबल फील हो रहा, कितना दुख रहा होगा, पेन हो रहा होगा। बट वो गहरी नींद में है, सो रहा है यहाँ पे। आई सपोज इट डजेंट माइंड, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, सोते में हमें पता नहीं चलता ना। ओके। द टेबल वॉज अ लार्ज वन, बड़ा सा टेबल था जिस पे वो लोग बैठ के टी पार्टी कर रहे थे। बट द थ्री वेयर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर ऑफ इट, तो बड़ा सा है लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, कोने में, एक कोने में तीनों इसी में चिपक के बैठे हैं, कोई इधर उधर नहीं बैठा है, इतना बैठे हैं, पूरा इधर खाली है। ओके। तो इधर ही भीड़ लगा के बैठे हैं और पूरा ये खाली है। जैसे ही वो आई, बोलते हैं नो रूम नो रूम, वो लोग बोलते हैं, कौन बोलता है, तो मार्च हेयर, वो जो हेयर रहता है वो, और जो मैड हैटर रहता है, वो जो हैट लगाया हुआ रहता है, बोलता है नो रूम नो रूम, जगह नहीं है इधर। दे क्राइड आउट वेन दे सॉ एलिस कमिंग, जैसे ही उन्होंने देखा कि एलिस आ रही है तो वो लोग चिल्लाने लगे नो रूम नो रूम, इधर जगह नहीं, जगह नहीं है। ठीक है, फिर लड़की क्या बोलती है, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम, तो लड़की बोलती है यहाँ पे बहुत जगह है। सेड एलिस इंडिग्नेंटली, मतलब वो थोड़ा एंग्रीली वॉइस में बोली कि यहाँ पे बहुत जगह है। ठीक है, ऐसा वो बोली, इंडिग्नेंटली मीन्स वॉट, सो एंग्रीली, थोड़ा सा गुस्से में बोली। ओके। क्योंकि वो लोग, वो इतना जगह है फिर भी बोल रहे हैं नो रूम नो रूम नो प्लेस। ओके। एंड शी सैट डाउन इन अ लार्ज आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल, और वो फिर क्या की, वो आराम से बैठ गई एक चेयर पे, जो आर्म चेयर है। ठीक है, मतलब कि उस पर हाथ रख के आराम से बैठ सकते हैं। वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के एक एंड में वो इस तरीके से बैठ जाती है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे देखा ना, ये देखिए आर्म चेयर, ये एक टेबल के इस कोने में ये आर्म चेयर इस तरीके से इस पर बैठ जाती है, आर्म चेयर इसको बोलते हैं, जिस पे हाथ आराम से रख सकते हैं इजीली, और ये एक कोने में इधर बैठ गई। अब देखो यहाँ पे ये है मैड हैटर, ये इतना बड़ा सा हैड जो लगाया हुआ है। ठीक है, सो बोलती है देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह, ज़्यादा जगह है, या रूम का मतलब प्लेस से है। ठीक है, सेड एलिस इंडिग्नेंटली इंडिग्नेंटली एंड शी सेट डाउन इन अ लार्ज आर्म चेयर एट एंड ऑफ द टेबल, हैव सम वाइन, तो यहाँ पे वो कौन बोलता है उसे, द मार्च हेयर सेड इन एनकरेजिंग टोन, मतलब कि ऐसे बोल रहा है, एनकरेजिंग टोन मतलब जैसे उसे दे ही रहा है। ठीक है, हैव सम वाइन, कुछ वाइन लोगे या कुछ वाइन हो जाए। ठीक है, एलिस लुकड ऑल अराउंड द टेबल, एलिस ने चारों तरफ टेबल पर देखा, बट देर वॉज नथिंग ऑन इट बट टी, तो बोलते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ टी के अलावा, सिर्फ यहाँ पे टी ही है। आई डोंट सी एनी वाइन शी रिमार्क्ड, मैं यहाँ, मुझे यहाँ पे कोई वाइन नहीं दिख रही है। ओके, शी रिमार्क, मत उसने कमेंट किया, ऐसी बात उसने बोली, देयर इजंट एनी सेड द मार्च हेयर, तो उसने बोला कि यहाँ पे है भी नहीं। ठीक है, उसने बोला कि यहाँ पे है भी नहीं, वाइन है भी नहीं, सेड द मार्च हेयर, यहाँ पे मतलब दोनों ये पागलपंती कर रहे हैं, मतलब उसका उसे तंग कर रहे हैं। ठीक है, परेशान कर रहे हैं उसे इस तरीके से बोल के, मतलब दोनों आपस में ही मस्ती कर रहे हैं। देन इट वॉज़न्ट वेरी सिविल ऑफ यू टू ऑफर इट, सेड एलिस एंग्रीली, यहाँ पे गुस्से में उसने क्या किया, एलिस ने गुस्से में बोला, देन इट वॉज़न्ट
वेरी सिविल ऑफ यू, सिविल का मतलब यहाँ पे क्या है, पोलाइट। तो ये आपके लिए इतना मतलब सिविल नहीं था, पोलाइट नहीं था, ये कोई मैनर नहीं हुआ कि आप जब है नहीं तो यूं ही ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये तो ललचाने वाली बात हो गई कि है नहीं फिर भी ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बोलती है कि ये पोलाइटली, ये कोई मैनर नहीं है, सो ये बिल्कुल भी मैनर भरी बात नहीं थी, ठीक है, पोलाइटली वाली बात नहीं थी। तो ये क्या बोलता है मार्चर, क्या बोलता है, इट वॉजेंट वेरी सिविल ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बींग इन्वाइटेड, सेड द मार्चियर। वो भी बोलता है तुम्हारे लिए भी ये अच्छा मैनर नहीं था, अच्छा बिहेवियर नहीं था कि तुम बिना इन्वाइट किए, विदाउट बींग इन्वाइटेड, बिना इन्वाइटेड किए आके बैठ गई, ठीक है। आई डिडंट नो इट वॉज योर टेबल, सेड एलिस। तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी टेबल है, ओके, योर टेबल, सिर्फ तुम्हारी टेबल है, प्राइवेट टेबल है। इट्स लेट फॉर अ ग्रेट मेनी मोर देन थ्री, ये तो बहुत बड़ी है, ग्रेट मेनी मोर देन थ्री मतलब ये तो इतनी बड़ी है कि इसमें तीन से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग, अब ये लोग फालतू की बातें करने लगे, ठीक है, कह सकते ना बिना सर पैर की बातें करने लगे। तो यहाँ पे हैटर ने क्या बोला, जिसने बड़ी सी हैट लगाई थी उसने क्या बोला, योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग, तुम्हारे बाल को काटने की ज़रूरत है, सेड द हैटर। ही हैड बीन लुकिंग एट एलिस फॉर सम टाइम विद ग्रेट क्यूरियोसिटी एंड दिस वॉज हिज फर्स्ट स्पीच। अभी तक उसने बोला नहीं था, अभी हैटर ने नहीं बोला था, अभी तक सिर्फ किसने बोला था, कौन बात कर रहा था, तो मार्च हेयर बात कर रहा था। अभी कौन बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हैटर, ठीक है, मैड हैटर। तो वो क्या बोलता है कि वो मतलब कि अजीब तरीके से क्यूरियोसिटी की मतलब एक अजीब तरीके से देख रहा है और अजीब तरीके से बोलता है तुम्हारे बाल को काटने की ज़रूरत है। ही हैड बीन लुकिंग एट एलिस फॉर सम टाइम, कुछ इस तरीके से मतलब कि उसे देखते हुए इस तरीके से घूर घूर के मतलब देखते हुए और बोलता है कि तुम्हारे बालों को काटने की ज़रूरत है, जैसे ऐसे देख रहा है कि जैसे वो अच्छी नहीं लग रही, उसके बालों को काटने की ज़रूरत है और अजीब सा बिहेव कर रहा है, जैसे कि मैड हैटर उसका नाम है, तो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। You should learn not to make personal remarks, Alice said with some severity. It's very rude. वो बोलती है कि तुम्हें इस तरीके से personal remark, personal comment, ठीक है, remarks means कि personal comments ऐसे किसी पे नहीं करने चाहिए। Alice ने थोड़ा severity मतलब थोड़ा सख्ती से बोला, थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा severity मतलब कि थोड़ा सख्ती से बोला, rude होके बोला, ठीक है, मतलब थोड़ा गुस्से से बोला। और वो बोलते हैं it's very rude, आपको किसी पे personally comment नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही बेकार बात है, मतलब इट्स वेरी रूड। द हैटर ओपन हिज आइज वेरी वाइड ऑन हियरिंग दिस, तो जो हैटर था, मैड हैटर जो पागल था वो, तो वो बोल उसकी आंखें मतलब ना एकदम ओपन कर लिया इस तरीके से, मतलब उसे घूर घूर के देखने लगा, ओके, वेरी वाइड मतलब आंखों को बड़ी करके देखने लगा। ओ मतलब ऐसा बोला कि अच्छा, बट ऑल हिज सेड वॉज ओके, ठीक है, Why is a raven like a writing desk? अचानक से वो ऐसा देख रहा है और अचानक से सडनली वो क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, Why is a raven like a writing desk? तो बोलता है कि जो raven means black crow, जो कौवा होता है, वो एक writing desk की तरह क्यों दिखता है, ठीक है, अभी writing desk की तरह दिखता है क्या, तो बिल्कुल नहीं दिखता, फिर भी इसके अजीब से सवाल थे। राइटिंग डेस्क मतलब जिस पे लिखा जाता है, तो बोलता है कि काला कौवा राइटिंग डेस्क की तरह क्यों दिखता है, तो वो अजीब सा सवाल था इसका। कम वी शैल हैव सम फन नाउ, थॉट एलिस। एलिस ने सोचा चलो अच्छा है, ठीक है, अब ये लोग थोड़ा सा मतलब कि कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, सो वो सोचती है चलो, आई एम ग्लैड दे हैव बिगन आस्किंग रिडल्स, आई बिलीव आई कैन गेस दैट शी एडेड अलाउड। तो यहाँ पे सोचती है चलो अब ये कम से कम झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि मेरे टेबल पे क्यों बैठ गए, ये सब फालतू की बकवास नहीं कर रहे, कम से कम रिडल्स पूछ रहे हैं, एक पहेली पूछ रहे हैं, ये पजल जैसा होता है ना, पजल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, जो पहेलियों में पूछते हैं, तो ये क्या उसे लगा कि वो एक रिडल पूछ रहा है, रिडल यहाँ पे पहेलियाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पे रिडल वो पूछता है, वाई इज़ अ रिवन लाइक अर राइटिंग डेज, तो सोचती है चलो अच्छा है, मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड कि वो लोग अभी रिडल्स पे आ गए हैं, रिडल्स पूछ रहे हैं, चलो थोड़ी अच्छी बातें होंगी। सो वो सोचती है आई बिलीव, मुझे लगता है, आई कैन गेस दैट, मुझे लगता है कि मैं इसका आंसर दे सकती हूँ, शी एडेड अलाउड, वो जोर से ऐसा बोलती है कि हाँ हाँ मुझे लगता है कि मैं इसका आंसर दे सकती हूँ। डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, तो उसे लगता है, सेड द मार्च हेयर, मार्च हेयर ने बोला क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसका आंसर दे सकती हो। सो बोलती है एग्जैक्टली सो, उसे लगता है हाँ, वो बोलती है हाँ मैं दे सकती हूँ। देन यू शुड से दैट वॉट यू मीन द मार्च हेयर वेंट ऑन, सो देन यू शुड से, तो तुम्हें लगता है तो मतलब देन यू शुड से, तो तुम्हें कहना चाहिए कि तुम्हारा मतलब क्या है, कि मतलब उसका आंसर बताओ, इसका मतलब क्या है, तुम्हें बताओ तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, और इस तरीके से मार्च बोलता रहा।
आई डू, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। एलिस हेस्टली रिप्लाइड, हेस्टली मतलब कि वो क्विकली रिप्लाई करती है कि मैं बता रही हूँ बता रही हूँ। ओके, सो एट लीस्ट आई मीन वॉट आई से, दैट्स द समथिंग यू नो, मतलब ये बोलती है कि यू नो, मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो मैं लाइक जो मैं कहना चाहती हूँ वो तुम्हें पता है। ओके, जो मैं मीन्स कि आई एट लीस्ट आई मीन वॉट आई से, दैट्स द समथिंग। तो मतलब वो बोलती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं। सो यहाँ पे उसको बीच में रोकते हुए बोलता है वो, मतलब उसकी बात ही क्लियर नहीं होने दे रहा है, पूरी नहीं करने, कंप्लीट नहीं करने दे रहा है। नॉट द सेम थिंग अबिट, नहीं वैसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे वो लड़की बोलती है कि एटलीस्ट मैं जो कहना चाहती हूँ मैं वही कहती हूँ, ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं कि कुछ भी बोलते जा रही हूँ पागल की तरह। उसके बोलने का मतलब ये था। तो यहाँ पे वो आंसर देना चाहती थी, मतलब थोड़ा सोच रही थी, बट ये लोग उसे सोचने भी नहीं दे रहे हैं। तो बोलता है हैटर, क्या बोलता है, नॉट द सेम थिंग अबिट, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेड द हैटर, यू माइट जस्ट एज वेल से दैट आई सी वॉट आई ईट इज़ द सेम थिंग एज, तो बोलता है कि तुम यही कहना चाहती हो जस्ट कि आई सी वॉट आई ईट, कि मैं जो देखती हूँ, फॉर आई सी वॉट आई ईट, मैं जो देखती हूँ वो मैं खाती हूँ, इज़ द सेम थिंग एज आई ईट वॉट आई सी। मतलब यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, तुम तो कहना चाहती हो, तुम्हारे कहने का मतलब तो ऐसे हुआ कि जो मैं देखती हूँ वो मैं खाती हूँ, जो मैं खाती हूँ वो मैं देखती हूँ। सो यू माइट जस्ट एज वेल से, तुम्हारे कहने का मतलब ये था कि दैट आई लाइक वॉट आई गेट इज़ द सेम थिंग एज आई गेट वॉट आई लाइक। मतलब यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है, तुम ये कह तुम तो फिर तो इसका मतलब तुम्हारा ये भी कहने का मतलब है कि जो मुझे पसंद है वो मुझे मिलता है, जो मुझे मिलता है वो मैं मुझे मुझे पसंद है, ठीक है। सो यू माइट जस्ट एज वेल से, तुमने तो तुम्हारे कहने का ये भी मतलब था। द डोर, अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, डॉरमाउस बोल रहा है, हु सीम टू बी टॉकिंग इन हिज स्लीप। वो मतलब नींद में ही था क्योंकि वो सो रहा था ना डॉरमाउस, तो बोलता है वो नींद में ही है और नींद की बात बोल रहा है। आई ब्रीथ वेन आई स्लीप, मैं सांस लेता हूँ जब मैं सोता हूँ, इज़ द सेम थिंग, और यही सेम थिंग है, मैं सोता हूँ जब मैं सांस लेता हूँ, तो क्या एक चीज़ हुई। मतलब यहाँ पे वो लोग ना बिल्कुल उसे पका रहे हैं। उसने ये बोलना चाहा था कि तुम्हें पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ, वो आंसर दे रही थी, लेकिन ये लोग क्या किए, ये लोग देने ही नहीं दिए, बीच में उसे इस तरीके से इधर उधर की बातों में उलझा रहे थे। ओके, कि तुम्हारा कहने का मतलब तो ये है, तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब ये है, इस तरीके से। इट इज़ द सेम थिंग विद यू, तुम्हारे लिए ये एक जैसी बातें होगी कि जो तुम्हें पसंद है वो तुम जो तुम खाती हो वो तुम देख सकती हो, जो तुम देख सकती हो वो खाती हो, इस तरीके से ये सारी चीज़ तुम्हारे लिए सेम है। सेट द हैटर एंड हियर द कन्वर्सेशन ड्रॉप, और यहाँ पे कन्वर्सेशन की बंद हो जाती है, बातचीत थोड़ी बंद हो जाती है। एंड द पार्टी सैट साइलेंट फॉर अ मिनट, और ये जो पार्टी है थोड़ी सी शांत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बातचीत ही बंद हो गई है। वाइल एलिस थॉट ओवरऑल शी कुड रिमेंबर अबाउट रेवेंस एंड राइटिंग डेस्क विच वॉजेंट मच, और यहाँ पे वो क्या कर रही है एलिस, यहाँ पे वो लोग उसे जो आंसर बताना चाहती थी रेवन और डेस्क वाला, वो उसी के बारे में सोच रही है, ठीक है, उसी के बारे में पूरा सोच। यहाँ पे वो लोग बहस कर रहे हैं और यहाँ पे वो यही सोचने की कोशिश कर रही है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो अचानक से पूछता है हैटर, हैव यू गेस्ड द रीडल, क्या तुमने पहली का मतलब समझा अभी तक, ये इट मीन्स अभी तक समझा तुम्हें। द हैटर सेड टर्निंग टू एलिस अगेन, अचानक से फिर वो सोचती रहती है, फिर से अचानक से उसको पूछता है क्या तुमने गेस किया क्या है। नो आई गिव इट अप, तो बोलती है नहीं मैं हार मानती हूँ, आई गिव इट मतलब मैं हार मानती हूँ। एलिस रिप्लाइड, वॉट इज़ द आंसर, ठीक है तुम बताओ आंसर क्या है। आई हैवन द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड द हैटर, हैटर ने बोला मुझे तो थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। नॉर आई, सेड द मार्च हेयर, मार्च हेयर ने बोला मुझे भी नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, इसका आंसर क्या है। एलिस साइड वेयरली, अब कोई आपसे क्वेश्चन करे उसको खुद आंसर नहीं पता और आपसे क्वेश्चन करके आपको पकाया, तो आप क्या करेंगे, साइड उफ वेयरली मीन्स इरिटेट हो जाती है, इस तरीके से इरिटेट होके वो इस तरीके से साइड मतलब एक लंबी सांस लेती है। आई थिंक यू माइट डू समथिंग बेटर विद द टाइम, तो बोलती है लड़की कि मुझे लगता है कि तुम लोग जो टाइम वेस्ट कर रहे हो इसके साथ कुछ अच्छा कर सकते हो, मतलब टाइम जो वेस्ट कर रहे हो इसमें तुम लोग कुछ अच्छा भी कर सकते हो। शी सेड देन वेस्ट इट इज़ इट इट इन आस्किंग रीडर्स दैट हैव नो आंसर, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो तुम ऐसे रीडर्स पूछ रहे हो जिसका तुम्हें आंसर खुद को नहीं पता है, तो उसमें तुम क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसके अलावा तुम लोग और कुछ अच्छा कर सकते हो टाइम के साथ, ठीक है। मतलब यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ अच्छा अच्छा काम कर सकते हो ताकि टाइम अच्छे से बीते। तो यहाँ पे हैटर क्या बोलता है, इफ़ यू न्यू टाइम एज वेल एज आई डू,
सेड द हैटर, अगर तुम्हें पता होता टाइम के बारे में जैसा कि मुझे पता है, यू वुडंट टॉक अबाउट वेस्टिंग इट, इट सेम। तो बोलता है कि अगर जैसा कि मैं जानता हूँ टाइम को, अगर तुम्हें पता होता टाइम के बारे में तो तुम ऐसी बात नहीं करती कि टाइम वेस्टिंग के बारे में तुम बात ही नहीं करती। इट्स हेम मतलब वो टाइम है, टाइम। देखिए टाइम यहाँ पे क्या है ना, टाइम यहाँ पे आई थिंक इस स्टोरी में, जैसा कि मुझे याद आ रहा है थोड़ा, कि ये जो हैटर है ना, इसको यहाँ पे सजा मिली हुई है कि यहाँ पे हमेशा हमेशा एक टाइम यहाँ पे स्टॉप रहेगा, सिर्फ टी टाइम ही चलेगा इनका और कुछ नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे टाइम आके यहाँ पे स्टॉप, जो भी आएगा उसका टाइम यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। आई थिंक वो लड़की टाइम ट्रेवलिंग में थी, टाइम ट्रेवल कर रही थी, ओके, और वहाँ पे ऐसी जगह पे आई थी कि वहाँ पे वो रुक गई थी। और यहाँ पे जो हैटर है ना, वो ऐसे टाइम को जानता है जो कि एक मेल है, ठीक है, मतलब एक आदमी की, एक मैन फॉर्म में है टाइम। और ये किसके बारे में बात कर रही है, इसको तो पता है जो टाइम हम घड़ी देखते हैं, बस टाइम सिर्फ। लेकिन इसके लिए ये बोलता है कि काश, मतलब कि बोलता है तुम नहीं जानती टाइम को, मैं जानता हूँ, ठीक है, ऐसा वो बोलता है। ओके, सो आई डोंट नो वॉट यू मीन, सेड एलिस, मैं नहीं जानती टाइम को, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ऑफकोर्स यू डोंट, ऑफकोर्स तुम्हें नहीं पता टाइम कौन है, द हैटर सेड, टॉजिंग हिज हेड कंटेम्प्टसली, आई डेयर्स से यू नेवर इवन स्पोक टू टाइम। तो यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे कंटेम्प्टसली का मतलब क्या है, कंटेम्प्टसली मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आई डेयर से यू नेवर इवन स्पोक टू टाइम, तुमने कभी टाइम के साथ बातचीत नहीं की होगी। टॉजिंग हिज हेड मतलब अपने हेड को इस तरीके से घुमाता है, इस तरीके से बोलता है तुमने कभी बात नहीं की होगी, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा दावे के साथ। कंटेम्प्टसली मतलब क्या होता है, कंटेम्प्टसली मीन्स लाइक प्राउडली या कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, क्योंकि उसकी मुलाकात हो चुकी है टाइम से, और वो जो कि एक मैन फॉर्म में था, और यहाँ पे एलिस से नहीं हुई है, तो यही पे वो बोल रहा है कि मुझे पक्का विश्वास है कि तुमने कभी टाइम से बातचीत नहीं की होगी। तो लड़की बोलती है एग्री करते हुए, परहैप्स नॉट, मतलब कि शायद, मे बी, परहैप्स मीन्स मे बी या शायद, हाँ शायद नहीं, एलिस कॉशसली रिप्लाइड, वो बहुत ही सावधानी से आंसर देती है क्योंकि उसे पता है कि हाँ उसने टाइम से बात नहीं की है। बट आई नो आई हैव टू बीट टाइम व्हेन आई लर्न म्यूज़िक, हाँ लेकिन मैं टाइम को पीछे छोड़ देती हूँ जब मैं म्यूज़िक सीखती हूँ, ठीक है। वॉट अकाउंट्स फॉर इट, ओके, हाँ हो सकता है तुम्हारे लिए, सेड द हैटर, ही वोंट स्टैंड बीटिंग, ठीक है, यहाँ पे बोलता है वो कभी पीछे नहीं हो सकता, कभी पीछे नहीं हो सकता। नाउ इफ़ यू ओनली केप्ट ऑन गुड टर्म्स विद हीम, ही डू ऑलमोस्ट एनी थिंग यू लाइक विद द क्लॉक, वो बोलता है यहाँ पे हैटर, मैड हैटर बोलता है कि अगर तुम जो टाइम है, टाइम के साथ गुड टर्म्स मतलब गुड रिलेशन, और उसके टर्म के अकॉर्डिंग चलोगी ना, उससे अच्छे रिलेशन बना के चलोगी ना, तो ही डू ऑलमोस्ट एनी थिंग, वो सब कुछ वैसा करेगा जैसा कि तुम घड़ी के साथ करना चाहोगी, घड़ी के साथ मतलब जब जो चाहोगी वो टाइम होगा ऐसा। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, सपोज इट वर 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सपोज कि 9 o'clock हो रहा है, 9 बज रहे हैं सुबह के, जस्ट टाइम टू बिगिन लेसन्स, जब तुम्हारा म्यूजिक सीखने का टाइम है, जब तुम एक लेसन सीख रही हो, सो यू हैड ओनली हैव टू विस्पर अ हिंट टू टाइम, तो तुम्हें क्या करना है, एक टाइम को, जो टाइम है, टाइम को बस एक विस्पर करनी, मतलब एक हिंट देनी है, एंड राउंड गोज द क्लॉक इन अ ट्विंकलिंग, 1:30 टाइम फॉर डिनर, और क्या करना है, ये जो क्लॉक है राउंड कर देना, मतलब उसे घुमा देना है, ट्विंकलिंग इन अ ट्विंकलिंग, जहाँ पे चाहो वहाँ पे ट्विंकल कर दो, वहाँ पे उसे रोक दो 1:30, और तुम अगर कर दोगी 1:30 पे, तो ये क्या, यहाँ पे कहाँ पे 9 से क्या हो जाएगा, 1:30 मतलब कि 1:30 बज जाएगी, 1:30 हो जाएगा टाइम फॉर डिनर, खाने का टाइम आ जाएगा, मतलब एक भूखड़ भी है कि इसको बता रहा है उसको कि तुम्हें म्यूज़िक नहीं सीखना है तो तुम मत सीखो, जाके हिंट अच्छे से रिलेशन रखो टाइम के साथ, तो वो क्या करेगा, अगर हिंट दे दोगी तुम तो वो तुम्हारा टाइम भी चेंज कर देगा, अगर तुम राउंड कर दोगी मतलब घड़ी को घुमा दोगी तो घड़ी 1:30 हो जाएगा और तुम्हारे खाने का टाइम आ जाएगा, डिनर का टाइम। आई ओनली विश इट वॉज, मैं तो सिर्फ यही इच्छा करता हूँ कि मतलब खाने का ही टाइम रहे, द मार्च हेयर सेड टू इट सेल्फ इन अ विस्पर, वो अपनी मन ही मन में बुदबुदाया, विस्पर मीन्स कि अपने मन ही मन में बुदबुदाया धीरे धीरे कि मेरी तो यही इच्छा रहती, मेरा विश यही रहता कि हमेशा 1:30 बजा रहे, मेरे को खाने का ही टाइम रहे बस। दैट वुड बी ग्रैंड सर्टेनली, सेड एलिस थॉटफुली,
सो बोलते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है, सर्टेनली मीन्स यहाँ पे हाँ डेफिनेटली ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एलिस ने सोचा। बट देन आई शुडंट बी हैंग्री फॉर इट यू नो, तो बोलती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि लेकिन मैं 9 बजे तो मुझे भूख नहीं लगती, आई शुडंट बी हंग्री, मुझे भूख नहीं लगनी चाहिए, इतनी सुबह सुबह तो मैं खाती नहीं हूँ, यू नो जैसा कि आप जानते हो इतनी सुबह तो मैं मुझे भूख नहीं लगेगी। तो बोलता है नॉट एट फर्स्ट परहैप्स, तो शायद पहली बार नहीं, एक बार में तुम्हें भूख नहीं लगी, सेड द हैटर, बट यू कुड कीप इट टू 1:30 एज लॉन्ग एज यू लाइक, लेकिन तुम ऐसे उस टाइम को ऐसे रख सकती हो जब तक तुम्हें मन करे, जब भी तुम्हारा मन करे तुम चेंज कर दो टाइम, अगर तुम अच्छा टर्म रिलेशन रखोगी टाइम के साथ। अब ब्राइट आइडिया केम इन टू एलिस हेड, एलिस के दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया जो उसने बोला, इज़ दैट द रीज़न सो मेनी टी थिंग्स आर पुट आउट हियर, शी आस्क्ड। अच्छा तो ऐसा है इसीलिए यहाँ पे इतने सारे टी थिंग्स, मतलब टी थिंग मतलब चाय वाली सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है कि तुम्हें यही चीज़ पसंद है तो तुम यही अपना घड़ी ऐसा घुमा के कर देते हो ना, तो ऐसा वो पूछती है। यस दैट्स इट, वो बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सेड द हैटर विद अ साय, वो ऐसे मतलब सांस लेते हुए लंबी सांस लेते हुए कहता है, इट इज़ ऑलवेज टी टाइम एंड वी हैव नो टाइम टू वॉश द थिंग्स बिटवीन वाइल्स, तो बोलता है कि हमेशा हमारे यहाँ पे टी टाइम ही रहता है, मतलब हमने अपने घड़ी को इस तरीके से करके रखा है, लेकिन यहाँ पे क्या उसे सजा आई थिंक मिली होती है कुछ, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा टी टाइम ही रहता है, एंड हमारे पास तो टाइम भी नहीं रहता कि हम यहाँ पे वॉश कर सके ये जो टी पॉट्स हैं इन्हें धो भी सके, बिटवीन वॉइल्स मतलब कि इन किस टाइम में कि यहाँ पे हमारे चाय पीने में इतना टाइम ही नहीं रहता कि हम इसे लाइक उसे क्या कर सके धो सके, टाइम ही नहीं रहता, सिर्फ हमेशा चाय पीने का ही टाइम रहता है। देन यू कीप मूविंग राउंड आई सपोज, सेड एलिस, तो वो बोली कि हाँ तो मुझे लगता है कि आप घुमा देते हो घड़ी को, ऐसा मुझे लगता है। एग्जैक्टली सो सेड द हैटर एज द थिंग्स गेट यूज अप, हाँ मुझे जैसे ही जैसे मैं चीज़ों को यूज़ कर लेता है मैं क्या करता हूँ घड़ी को घुमा देता हूँ, फिर से चाय का टाइम आ जाता है, फिर से वो चीज़ चाय पी लेता हूँ फिर से चाय का टाइम आ जाता है इस तरीके से। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू कम टू द बिगिनिंग अगेन, एलिस वेंचर्ड टू आस्क, वेंचर्ड मीन्स यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे लाइक वेंचर्ड का मतलब कि लाइक डेयरिंग कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्की मतलब रिस्क लेते हुए पूछा उसे, अनप्रेजेंट होके पूछा कि क्या होता है जब बिगिनिंग व्हेन यू कम टू द बिगिनिंग अगेन, जब तुम वही स्टार्ट करते हो फिर से वही स्टार्ट करते हो फिर से चाय पीते हो फिर उसके बाद क्या करते हो, स्टार्ट कहाँ से करते हो। एलिस वेंचर टू आस्क मतलब उसने थोड़ा डेयर करके पूछा, ठीक है उससे बार बार पूछ रही है तो उसे भी डर लग रहा है थोड़ा सा। सपोज़ वी चेंज द सब्जेक्ट, छोड़ो हम सपोज़ वी चेंज द सब्जेक्ट मतलब चलो हम इस सब्जेक्ट को इस टॉपिक को ही छोड़ते हैं, द मार्च हेयर इंटरप्टेड, वो बीच में बात को ही रोकते हुए बोलता है छोड़ो हम इस सब्जेक्ट को ही छोड़ते हैं इस टॉपिक को ही छोड़ते हैं, यॉनिंग यॉनिंग मतलब जम्हाई लेते हुए वो इस तरीके से बोलता है क्योंकि अभी यहाँ पे वो बोर हो रहा है उसे नींद जैसी आ रही है। आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस, मैं इन सब से थक गया हूँ तुम्हारे इस क्वेश्चन से इन सब बातों से मैं थक गया हूँ। आई वोट द यंग लेडी टेल्स अस अ स्टोरी, बोलता है वोट, वोट का मतलब यहाँ पे क्या है, वोट का मतलब यहाँ पे कि ओपिनियन है मेरी, ये ओपिनियन है मेरी राय है कि ये जो लेडी है ना ये हमें स्टोरी सुनाएगी कहानी सुनाएगी क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ। आई एम अफ्रेड आई डोंट नो वन, तो बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं आता एक भी स्टोरी मुझे नहीं पता है। सेड एलिस रेदर अलार्म्ड एट द प्रपोजल, तो जैसे ही उसने ये प्रपोजल सुना कि मुझे लाइक मुझे स्टोरी बोलने के लिए बोल रहा है तो मैं तुरंत बोलती है अफ्रेड होके मतलब अरे नहीं नहीं मुझे तो नहीं आता एक भी स्टोरी, इस तरीके से बोलती है। देन द डॉर्माउस शैल, फिर वो क्या बोलते हैं, दे बोथ क्राइड मतलब कि वो जो मार्च हेयर था वो और जो मैड हैटर था वो दोनों चिल्लाए, तो फिर ये डॉर्माउस करेगा, डॉर्माउस हमें कहानियाँ सुनाएगा, वेक अप डॉर्माउस, वो लोग दोनों चिल्लाए दोनों साथ में चिल्लाए जागो उठो डॉर्माउस, एंड दे पिंच्ड इट ऑन बोथ साइड्स एट वंस, और उन दोनों ने दोनों साइड से क्या किया उसे पिंच किया मतलब चिकोटी काटते हैं ना जोर से उसको पिंच किया ताकि वो उठ जाए। द डॉर्माउस स्लोली ओपन्ड हिज आइज, सो डॉर्माउस ने क्या किया उसने स्लोली से अपनी आँखें खोली धीरे धीरे। आई वॉजंट एस्लीप, मैं नहीं सो रहा हूँ ही सेड इन अ हॉर्स, सो यहाँ पे बोलता है कि अरे नहीं मैं तो नहीं सो रहा हूँ। आई हर्ड एवरी वर्ड यू फेलोज आर सेइंग, मैं यहाँ पे हर एक बात सुन रहा हूँ जो कि तुम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हो ना मैं एक एक बात सुन रहा हूँ, तो रफली अजीब सी आवाज़ करते हुए मतलब कि लाइक यहाँ पे देखो सारे वर्ड्स का मीनिंग भी लिखा हुआ है जो जो टफ वर्ड है ओके, तो यहाँ पे रफली आवाज़ में बोलता है
कि जो वो माउस है वो तो है माउस, लेकिन वो यहाँ पे बात कर रहा है क्यों? क्योंकि ये कि क्या है, फैंटेसी की दुनिया है, मतलब कि जादू की दुनिया है, कह सकते हैं जादू की नगरी है। तो यहाँ पे माउस रैबिट सब बोल रहे हैं। तो बोलता है फिबल, फिबल मीन्स वॉट? यहाँ पे फिबल का मतलब है वीकली, एक कमज़ोर वॉइस में बोलता है, अरे नहीं, मैं तो जगा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोया था, मैं सारी बातें सुन रहा हूँ आप सबकी, आप सब क्या बातें कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे फिर बाद में वो एलिस वहाँ से चली जाती है, पक जाती है, थक जाती है इन लोगों से, फिर बाद में वो चली जाती है स्टोरी में। ठीक है, आगे और भी स्टोरी है, आप इसे क्या कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और भी रिडल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे और रिडल्स हैं, जैसे कि देखो पहला मैं बता देती हूँ, बाकी आप सब खुद समझ लेना। जैसे कि उन लोगों कैसे पूछ रहे थे अजीब से क्वेश्चन, द मैन इन द वाइल्डरनेस आस्क फॉर मी, एक आदमी था जो वाइल्डरनेस की बातें कर रहा था, हाउ मैनी ब्लैक बेरीज ग्रो इन द सी, सी में कितने ब्लैक बेरीज उगते हैं, आई आंसर्ड हिम एज अ थॉट गुड, मैंने भी बहुत अच्छे से उसे जवाब दिया, एज मैनी रेड हेरिंग्स एज ग्रो इन द वुड, जितने लाइक जितने हेरिंग्स, हेरिंग्स मतलब यहाँ की अ काइंड ऑफ फिश, जितने फिश यहाँ पे लकड़ी वुड पे प्लांट पे जितने उगते हैं उतने ही यहाँ पे होते हैं। तो आप बताओ, ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो ब्लैक बेरीज हैं ये समुंदर में उग सकते हैं क्या, और या ये जो फिश हैं ये इधर आ सकते हैं क्या, उग सकते हैं क्या? नहीं ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से उसने भी आंसर दिया, मतलब बहुत ही चालाकी से उसने भी उत्तर दिया। उसने क्या बोला कि कितने उगते हैं ब्लैक बेरीज में, सॉरी ओशन में, समुंदर में, सी में कितने ब्लैक बेरीज उगते हैं? तो उसने क्या बोला, उतने उगते हैं जितने कि रेड हेरिंग्स उगते हैं प्लांट्स पे। ठीक है, तो दोनों का आंसर बहुत ही अच्छा था। ठीक है, और यहाँ पे दो है, तो आप खुद से करिए, खुद से समझिए। ओके, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 4.5 लेसन के। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना आप।